विनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि और मेरे पार्टनर राहुल भवन खुले जी और इस साल हम लोगों ने दो जगह किया है। एक्चुअली इस बार हम सार्वजनिक गणपति करने वाले थे लेकिन कुछ ऐसा बैठा नहीं ढंग से परमिशन की वजह से, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे परमिशन्स लगते हैं, लेकिन अगर गणपति जी की कृपा रही तो अगले साल आप लोगों को सार्वजनिक पूजा भी देखने को मिलेगी। और ऐसे ही हर साल कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होता रहेगा ईश्वर की कृपा से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो नहीं लग रहा बप्पा जा रहे हैं, लेकिन बप्पा जाते हैं आने के लिए जाते हैं, वो अगले साल फिर आएंगे और सबको आशीर्वाद देके जाएंगे। तब तक हम लोगों का कुछ कर्तव्य रहेगा, उसको हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग और आगे बढ़ेंगे आप लोगों के और सबके साथ के साथ। आने वाले प्रोजेक्ट अभी फेसक्राफ्ट एक विलेज बना रहा है जिसमें कि कम से कम 5 से 6 स्टूडियोज एक साथ रहेंगे, जिसका नाम होगा फेसक्राफ्ट सिटी स्टूडियोज। आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 में फैला रहेगा। ये हमारी कंपनी के थ्रू हमारे इंडस्ट्री को एक तरह से योगदान है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे मुंबई में अच्छे स्टूडियोज नहीं मिलते, जिस वजह से लोगों को हैदराबाद और जगह जगह जाना पड़ता है, गोवा मड़ा आइलैंड जाना पड़ता है। यहाँ पे हर एक बंगलो में एक थीम रहेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं व्हाइट हाउस है पूरा, तो किसी को व्हाइट हाउस को शूट करना हो और कैनेडियन फील देना हो तो ये बंगलो पूरा व्हाइट हाउस को का फीलिंग देगा। और बाकी अपने जितने भी स्टूडियोज हैं सब में कुछ ना कुछ थीम रहेगी और उसी प्रकार चलता रहेगा। बाकी अपने एनजीओ में, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, एनजीओ में हमने, जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि कोई साथ दे या नहीं दे हमें इतना मालूम है, करना ही करना है। तो अभी हमने एक महीने के अंदर, हमारे पास एक बच्चा भी है उसको हम लेके आए हैं, वो कार्य करता था किसी के यहाँ पे सर्वेंट की तरह, उसको वहां से छुड़ाया हमने और आज वो बच्चे के घर में हम लोग पैसा डोनेट करते हैं मेरे बेचे हुए कपड़ों से। जो डिजाइनर लेबल है पिया ग्रेस डिजाइनर स्टूडियो, उसके बेचे हुए जो हर एक कपड़ों का जो पैसा है वो मैं एनजीओ को डेडिकेट करते हैं, मैं और राहुल भाई। और कार्य पूरी तरह से एज यूजुअल इट्स ऑन द स्पीड। फेसक्राफ्ट में भी, मेरे मॉडल कंपनी में, मेरे डिजाइनर स्टूडियो में, मेरे एनजीओ में और अभी स्टूडियोज का पूरा आपके सामने ही है, चल रहा है।